नमस्ते। ये वर्ल्ड का सबसे इकोनॉमिकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। आप नजदीक आइए, मैं आपको और इस बारे में बताना चाहूँगा डिटेल में। नजदीक आइए और ये दिखाइए। सो जन शक्ति फॉर जन जल शक्ति, ये एक छोटी सी कोशिश है आपको बताने के लिए कि पानी बचाना हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर आपको सोसाइटी में करना हो या स्कूल में करना हो, बहुत ही आसान है और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। कल से लोगों का बहुत सारे फ़ोन आए हैं इनके बारे में, क्वेश्चन क्या करना है। सो जो आप देख रहे हैं इस समय, ये एक ऑलमोस्ट 250 लीटर का ड्रम है जिसमें चारों तरफ हमने ड्रिल मशीन से छेद कर दिए हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ छेद है। ये ड्रम में हमें छत का जो बारिश का पानी है अंदर डालना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा एक एल पाइप लगाया है जिसमें वाटर फ्रॉम द टेरेस, ये साफ साफ लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। छत का पानी इसमें हम लोग डाल देते हैं। कैसे मैं आपको बताऊंगा, आप ये देख सकते हैं ये छत से आ रहा है पानी, छत का पानी इससे निकलता है और हमारा काम सिंपल है कि यहाँ जो ये पानी निकल रहा है यहाँ से इस ड्रम को हम पाइप से जोड़ दें। और ये ड्रम जो है क्या करना है, बहुत सिंपल है, इस ड्रम को हमें जमीन के नीचे खट्टा करके डाल देना है। आप देख रहे हैं ये जो हमने RWHS रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये जो हमने चौकोर बनाया है, ये ऑलमोस्ट 3 फीट बाई 3 फीट का चौकोर है। ऐसा ही हमें एक चौकोर बनाना है, भले ही आपका पूरा सोसाइटी में सीमेंट लगा हो, जगह ना हो, फिर भी आप अपने बिल्डिंग, जैसे ये तो बिल्डिंग वॉल के एकदम नज़दीक है, ऐसा नहीं करना है। हमें बिल्डिंग वॉल से कम 10 फीट दूर इस टाइप का, इतना 3 फीट बाई 3 फीट का जगह लेके हमें एक खड्डा बनाने हैं। और ये आप जो ऊंचाई देख रहे हैं ड्रम का, ये हमने 250 लीटर का ड्रम लिया है। आप इससे बड़ा भी ले सकते हैं, इससे छोटा भी ले सकते हैं, बट ये एक कोशिश है कि हम आपको बड़े आराम से बता सकें कि क्या कॉन्सेप्ट है, इस किस तरीके से किया जाए। ये ऑलमोस्ट 4 फीट इसका ऊंचाई है, तो आप जब भी इसको लगाएंगे 4 फीट आपको खड्डा करना है, 3 फीट बाई 3 फीट ऊपर खुला रहेगा। ये जैसे ही आप अंदर डाल देंगे, अंदर डालने के बाद चारों तरफ जो जगह बचेगा, आप यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जगह है, ये सब जो जगह हैं, ये सब यहाँ पे आप पत्थर डाल देंगे, छोटे छोटे 2-2 इंच 3-3 इंच के पत्थर से इसको भर देंगे, ताकि इस तरफ जो मट्टी बसता है मट्टी ड्रम के अंदर नहीं जाता है और ड्रम का पानी धीरे धीरे इस पत्थर के थ्रू जमीन में चला जाएगा। इस तरीके से आप सैकड़ों लीटर आप बचा सकते हैं पानी हमारे देश के लिए, हमारे इस दुनिया के लिए, क्योंकि पीने के पानी की बहुत शॉर्टेज है। इस पर्टिकुलर ड्रम में हमने एक छोटी सी एडिशनल कोशिश की है कि हमने यहाँ एक ढक्कन बना दिया है। ढक्कन क्यों, ये आप जो ढक्कन देख रहे हैं ये एक एडिशनल एक कोशिश है कि डेली बेसिस पे जब भी बारिश होगा, ये तो आपका ज़मीन के नीचे रहेगा ये पूरा का पूरा डब्बा, लेकिन ये ढक्कन ऊपर से आप खोल के अंदर से पानी निकाल सकते हैं। ये पानी आप डेली बेसिस पे, चाहे आपका कपड़ा धोना हो या फ्लोर साफ करना हो, पोछा जो लगाते हैं, गाड़ी साफ करना हो, इससे आप हजारों लीटर पानी निकाल के डेली बेसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ भी ये लगाया गया है। एक चीज़ ज़रूर हमने देखा है कि आज अगर बारिश हो रही है तो 7 दिन तक इसमें पानी रहता है। आप रेगुलर बेसिस पे इस पानी को इस्तेमाल कीजिए एंड इमीडिएटली पानी बचाना शुरू कीजिए। एंड जन शक्ति फॉर जल शक्ति, ये एक बहुत ही सरकारी, हम कहते हैं हम सबका ये मुहिम है, ये पर्टिकुलर चीज़ इंस्टॉल करके आप इस मुहिम का साथ दीजिए। थैंक यू अगेन एंड प्लीज़ इस चीज़ को शेयर कीजिएगा। हम आपको अगले वीडियो में इसको करके भी दिखाएंगे किस तरीके से हम स्टूडेंट्स के साथ मिलकर अलग अलग स्कूल्स में लगा रहे हैं, बट ये मैं आपको दिखाना चाहता था ताकि आपको एक फेयर आइडिया हो जाए। तो आप रुकिए मत, बहुत ही सिंपल तरीका है, छत का पानी इसके अंदर जाएगा और पानी से हमारे धरती में जो पानी की कमी हुई है वो कम हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कीप शेयरिंग। थैंक यू।